हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनु फारूकाट, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का रसमलाई, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाना उतना ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड का रसमलाई बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड, बादाम, काजू एंड चीनी, 1 लीटर दूध। बादाम और काजू को मैंने पहले कट कर लिया था। हम गैस पे पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। गैस को हाई रहने देंगे जब तक दूध में उबाल ना जाए। दूध में मेरा उबाल आ चुका है तो गैस को मीडियम कर देंगे। अब दूध को उबलने देंगे मीडियम पे जब तक दूध 1 लीटर से आधा लीटर ना हो जाए। अब हम ऐड करेंगे इसमें काजू, बादाम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हमने रख लिया है गार्निशिंग के लिए। इसे बीच बीच में देखते रहना है, नहीं तो हमारी मलाई है जो जल जाएगी। हम देख सकते हैं दूध मेरा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से हो गया है, अब यानी कि दूध मेरा गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑफ, और चलिए शुरू करते हैं ब्रेड का। मैंने ब्रेड कट करने के लिए एक ग्लास का मदद लिया है, ये बड़ी साइज का है। तो चलिए कट करते हैं। आप देख सकते हैं गिलास के मदद से मैंने एक पीस कट कर लिया है। ऐसे ही सारे कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही सारे पीसेस कट कर लेंगे। मैंने सारा कट कर लिया है। अब चलिए दूध मेरा ठंडा हो चुका है, अब इसमें डीप करके एक एक निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान था बनाना, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सच में बहुत ज़्यादा। तो आप भी ट्राई करें अपने घर में और सबको खिलाएं। मैंने दूध में डीप किया है, देख सकते हैं आप कैसे हमने डीप किया है। इस तरह एक एक करके डालें और फिर एक बॉल में निकाल लें। मैं आप एक बॉल लूँगी। हम एक एक करके बॉल में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है, और सच में ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप भी अपने घर पे ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।
काजू और बादाम थोड़ा थोड़ा रख लिया था गणेश सिंह के लिए। अब देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, काजू, आप देख सकते हैं ये रसमलाई बनके तैयार है कितनी आसानी से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियोस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। बाय।